मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ मैम? सीमा चांडक। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं कालकाजी में रहती हूँ। कितने साल का है आपका बच्चा मैम? 6 ईयर का। क्या देख रहे थे आप अपने बच्चे के लिए? बच्चे के लिए फ्यूचर देखना होता है, ऐसे बच्चे का लाइफ सिक्योर होनी चाहिए, लाइफ देखनी चाहिए बच्चे का, आगे क्या करता है, भविष्य में क्या नहीं करता। मैम कौन कौन से स्कूल्स आपने चुने थे अपने बच्चे के लिए? मैंने पहले DAV चुना। कहाँ पर? ये यहीं पर है, इधर पड़ता है। DAV कौन सी ब्रांच आपने चुनी थी? DAV का मतलब ये ऐसे कालकाजी साइड में पड़ता है, DAV उधर एक कालका पब्लिक स्कूल चुना मैंने। कहाँ पर? ये कालकाजी में है, उसके बाद में से छोड़ के फिर मैं साउथ दिल्ली में ला। साउथ दिल्ली स्कूल कहाँ पर? साउथ दिल्ली डिफेंस कॉलोनी। मैम कोई और खास रीजन साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल को चुनने का? उसमें बच्चे का एक्टिविटी सिखाते हैं, मतलब गेम्स वगैरह है, प्ले ग्राउंड अच्छा है वहाँ पे, बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है 12th तक। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आपका साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ? बहुत बढ़िया रहा, बच्चे ने कुछ सीखा भी है, बच्चे ने एक्टिविटी भी सीखी है और जैसे स्पीकिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है। मैम साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल की कुछ ऐसी दो बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? उनका एक तो बच्चों को जैसे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना और एक्टिविटी। और कुछ ना जो आपको अच्छा लगा? जैसे इंग्लिश टॉप कराना बच्चे के लिए, बच्चे के लिए इतना अच्छा कराते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैम साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल में कुछ ऐसा जहाँ सुधार की ज़रूरत है आपके हिसाब से, आपको लगता है? सुधार में तो ये जैसे बच्चे शैतानियाँ वगैरह थोड़ा सा करते हैं बच्चे ज़्यादा, तो इस तरीके थोड़ा मैं चाहती हूँ थोड़ा से और अच्छी तरह से हो जाए। 1 से 5 के स्केल में मैम, जहाँ 1 का मतलब है आप बिल्कुल भी सिफारिश नहीं करेंगे और 5 का मतलब है आप पूरी सिफारिश करेंगे जी, तो साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल को आप दूसरे पेरेंट्स को सिफारिश करना कितना पसंद करेंगे? मैं दूसरे पे करूँगी। कितने नंबर देंगे आप उसको? मैं 10 ही दूंगी। तब आप पूरे तरीके से सिफारिश करना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? मैं पूरी तरीके से करूँगी। थैंक यू सो मच।